देखिए, सोशल मीडिया ने एक बात तो जग जाहिर कर दी कि भारत में कलाकारों की और कला के कदरदानों की कमी नहीं है। जी हाँ, और यही वजह है कि जो प्रोड्यूसर गुल खान है, उन्होंने नए टैलेंट को उभारने का और उभरने का एक मौका दिया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है, आप कलाकार हैं, तो आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं। फ्रेशर्स के ऑडिशंस डायरेक्टली देखूंगी। हम लोगों ने कई बार बहुत सारे रॉ एक्टर्स उठाए हैं। एक्टर्स हंसने वाला सीन बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन इमोशंस नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए वो मैं सबको ये कहूंगी कि इमोशन वाला सीन जरूर करना। एक्टिंग की चाहत रखने वालों के लिए गुल खान लेकर आई हैं एक खास सुविधा। गुल खान जो खुद एक निर्माता हैं और कई टीवी सीरियल्स बना चुकी हैं, वो न्यू कमर्स के लिए अपने इस नई सुविधा के जरिए मदद करना चाहती हैं, उन्हें राह दिखाना चाहती हैं। और न्यू कमर्स के लिए, स्ट्रगलर्स के लिए सबसे जरूरी है ऑडिशन का सही तरीका, जो गुल खान के साथ उनके सीरियल में काम कर चुके कलाकार बता रहे हैं। सो बेसिकली जेन के एक्चुअली गुले नगमा खान है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माय नेम। एंड हम लोग को बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो एक्टिंग किस तरह से करें। तो अभी ये कंपनी है जिसकी एक वेबसाइट है, तो इस तरीके को हम लोग आसान करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं लोगों का। देखिए, बहुत सारे इस सवाल के दो तीन टुकड़ों में आपको जवाब देती हूँ। एक तो बहुत लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, जिनको परमिशन नहीं मिलती है कि वो घर से निकलें, स्पेशली बॉम्बे आएँ और यहाँ कहाँ रहें, किससे मिलें। माँ बाप को हमेशा इस बात से डर लगता है कि कहाँ जाएँ, और सही बात है, सेफ्टी की बात है। तो उस प्रोसेस को, उसको एक्सेसिबल करने के लिए ये पहला आइडिया था कि आप घर से ही एक्सेस कर सकते हो। दूसरी बात, जो कंटेंट मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन तक पहुंचने में न्यूकमर्स को टाइम ही नहीं, मतलब एक नामुमकिन सी ही बात हो जाती। लेकिन मैं डेफिनेटली टाइम निकालूंगी और फ्रेशर्स के ऑडिशंस डायरेक्टली देखूंगी, क्योंकि वो जो प्रोसेस है उन लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, दूसरे शहर के होते हैं, पहचान नहीं होती। तीसरा पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। एक्चुअली जो एक्टिंग का टैलेंट होता है वो बहुत रॉ होता है। हम लोगों ने कई बार बहुत सारे रॉ एक्टर्स उठाए हैं, बहुत सारे, कभी चंडीगढ़ से, कभी लखनऊ से, कभी ऐसे ऑडिशंस आते हैं, तो आप देख के समझ जाते हो कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है। डेफिनेटली अगर हम लोग वो सारे वीडियोस देखेंगे, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर अगर वो किसी रोल में फिट होते हैं तो फिर उस रोल का स्पेसिफिक ऑडिशन होगा। गुल खान ने अपनी इस नई वेबसाइट की शुरुआत पर अपनी खुद की शुरुआत की कहानी भी बयां की, जो कुछ इंटरेस्टिंग है। पर्सनली एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, इसलिए मतलब मुझे ये लगता है, इसलिए मैंने कहा कि लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं जब बॉम्बे आना चाहती थी तो मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे, नहीं 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 बॉम्बे नहीं। तो किसी तरह बोल के, झूठ बोल के आई कि मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ, बॉम्बे में। फिर बॉम्बे में नौकरी नहीं, पैसा नहीं, खाने के पैसे नहीं, चौल में रहे, मतलब मैं एक साल तक, सो यू नो लाइक वी हैव सीन दैट कि कितना मुश्किल होता है बॉम्बे में स्ट्रगल करना, अपनी जगह बनाना। उसी के लिए मैंने वो वीडियोस बनाए थे हम लोगों ने कंपनी के, कि आप स्क्रिप्ट सही उठाइए। और स्क्रिप्ट में भी हमने दो ऑप्शंस करने को कहा है, कि विक्रम जब समझाता है तो वो बोलता है कि आप दोनों ऑप्शंस करिए, ताकि हम आपको लाइट मूड में भी देख सकें और आपको हम रोते हुए भी देख सकें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक्टर्स हंसने वाला सीन बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन इमोशंस नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए वो मैं सबको ये कहूँगी कि इमोशन वाला सीन ज़रूर करना, बिकॉज जब तक कि हम आपका इमोशनल परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तब तक ये जज करना बहुत मुश्किल होता है। और मेकअप डजंट मैटर, अगर आपके पास मेकअप नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, काजल नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक्टिंग देखनी है, लुक्स नहीं देखने हैं। लुक्स यहाँ आके भी बनाए जा सकते हैं, तो परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और ये कोशिश करें कि लाइट आपके फेस पे सही पड़ रही हो, खिड़की के सामने खड़े होकर सारे ऑडिशंस लें, तो ये दो तीन चीज़ें ज़रूर करें। देखो, मेरी ऑल टाइम फेवरेट तो सुरभि ज्योति है, और ऑल्सो सुरभि जब आई थी उसका पहला शो था तो उसको पहली बार लॉन्च किया था, तो मुझे हमेशा सारे उसी की स्टोरीज ही याद रहती हैं, कि जब वो अपनी शादी से भागती है जोया बनके, तो कैसे वो रोती है, तो मुझे उसका वो परफॉर्मेंस हमेशा याद रहता है। और वो फनी भी बहुत है, तो वो अल्लाह मियाँ व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बहुत अच्छे से, और एक डायलॉग है उसका जो उसने बोला था, आई रिमेंबर, मैं सेट पे इतना हंसी थी कि 15 मिनट तक शूट नहीं हो पाई थी।
उसका वो डायलॉग ऐसा था कि मिस्टर खान आपको पता नहीं मेरे हाथ इतने स्ट्रांग है, मैं सल्यूट करती हूँ तो कभी कभी खुद ही बेहोश हो जाती हूँ। और उसने इतने अच्छे से बोला था, ऐसे सल्यूट करके खुद ही बेहोश हो जाती हूँ। आई थिंक 15 मिनट तक 20 मिनट तक पूरा यूनिट सिर्फ हंसता ही रहा था। गुल खान के इस कोशिश के जरिए न्यू कमर्स को आसानी होगी और गुल खान और उनके जैसे निर्माताओं को नया टैलेंट भी आसानी से मिलेगा। समय की मांग के साथ चलना कोई गुल खान से सीखे, क्योंकि इस वेबसाइट के साथ गुल ने अपने बिजनेस का भी तो नया विस्तार किया है। मुंबई से मेगा थड़ानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।